दोस्तों रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का फाइनल मैच खेला जा चुका है और इस मैच में हमें दोनों ही टीमों की तरफ से काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली। और इस फाइनल मैच में श्रीलंका लेजेंड्स ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था और बल्लेबाजी करने उतरी इंडियन लेजेंड्स की शुरुआत कुछ खास तरीके से नहीं हो पाई थी, क्योंकि इंडिया लेजेंड्स के 35 रन के स्कोर पर ही 2 विकेट गिर चुके थे और इसके बाद 78 रन के स्कोर पर सचिन तेंदुलकर भी 30 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद युवराज सिंह और यूसुफ पठान के बीच हमें बेहतरीन पार्टनरशिप देखने को मिली। इन दोनों बल्लेबाजों ने काफी तगड़े तगड़े शॉट्स लगाए और इसी वजह से इंडिया लेजेंड्स का स्कोर 181 रन तक पहुंच पाया था, जहां युवराज सिंह 4 छक्के और 4 चौकों की मदद से 60 रन बनाकर आउट हुए। वहीं यूसुफ पठान 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 62 रनों की पारी खेलकर नॉट आउट रहे और इंडिया लेजेंड्स ने पहले बैटिंग करते हुए 181 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया था 4 विकेट खोकर। वहीं अब श्रीलंका को ये मैच जीतने के लिए 182 रन बनाने थे और टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 20 ओवरों में 167 रन बना पाई 7 विकेट खोकर। और वहीं ये फाइनल मैच इंडिया लेजेंड्स 14 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रही। ये मैच काफी शानदार रहा। आखिरी में श्रीलंका के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन जल्दी जल्दी विकेट गिरने के बाद श्रीलंका लेजेंड्स इस मैच में वापसी नहीं कर पाई और इंडिया लेजेंड्स ये पहला रोड सेफ्टी सीरीज अपने नाम करने में कामयाब रही है। और इस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच यूसुफ पठान को चुना गया है, क्योंकि उन्होंने बल्ले के साथ गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन दिखाया था। जहां यूसुफ पठान ने इस फाइनल मैच में 62 रन बनाए थे, वहीं उन्होंने गेंदबाजी में 2 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए थे। इस वजह से उन्हें इस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच चुना गया है। दोस्तों आपको क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।